करेंगे, हम यहाँ पर हिंदू धर्म फैलाएंगे, कर सकते हैं तो आपके पीछे क्या कर सकते हैं ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। यह आप तंजीम है, आप ही उमर अब्दुल्ला है, आप ही धर्मेंद्र सिंह राणा है, आप ही फारूक साहब है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आए आप इस चीजों पे गौर करें, तंजीम को मजबूत करें, और ये अगर तंजीम मजबूत होती है तो मेरे साथी भी मजबूत होते हैं, और अगर साथी मजबूत होते हैं तो यकीन है नशा है, तो मुझे यकीन है कि किसी बात को लेकर ही यकीन किया होगा। धन्यवाद। विजय लोचन हाय हाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, विजय लोचन हाय हाय, विजय लोचन हाय हाय, विजय लोचन हाय हाय, विजय लोचन हाय हाय, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, विजय लोचन हाय हाय, 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मेरा नाम मुख्तियार चंद है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एससीबीसी सेल का। बताएं आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि मुझे 2-4 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया था चेयरमैन बाबू रामपाल जी, और यो आज फंक्शन हो रहा है, इन्होंने क्या किया मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी इनके खिलाफ है, एससीबीसी सेल का कोई आदमी नहीं लिया है इन्होंने, ये इन्होंने पार्टी को जोड़ने के अलावा पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमें कोई मालूम नहीं है। अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं नहीं कैसे बनाएंगे, तो अगर ऑलरेडी मुझे बनाया गया है दूसरे बंदे को तो बना नहीं सकते, क्योंकि मुझसे फंक्शन करवाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अजीत कुमार जी, उन्होंने रेगुलेशन डाली। फंक्शन किसने मैनेज किया, किसने करवाया गया है? ये अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं है पार्टी के किसी भी बंदे को, मैसेज नहीं है। कौन कौन आया पार्टी हाईकमान से यहाँ पे, कौन कौन आया हुआ है? ये हमें तो ये पता चला है कि विजय लोचन जी आए हैं, ये कोर चेयरमैन है, ये चेयरमैन नहीं है, ये कोर चेयरमैन है, ये पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ लोग हैं। ये की मीटिंग में जो तंजीमी तौर पर जो बात हुई है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है शिवाज जी याद है, और जो नारेबाजी कर रहे हैं वो भी हमारे ही वर्कर हैं, हम भी उन्हीं के वर्कर हैं, हम उमर साहब और फारूक साहब की क़यादत में छोटे से कारकुन हैं, और ये बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, या कोई बात नहीं ऐसी कि यहाँ पे आपस में हमारी कोई बात है या कुछ है, कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ऐसे कि मैसेज की बात है कि ठीक है, हम कहते हैं कि नारेबाजी ये इस किस्म का जो माहौल है जो बनता रहता है, आज केंद्र की सरकार है वहाँ पर भी होता है, बीजेपी में भी ऐसा चिन्हित किया है आपके नाम। मैं कहना चाहता हूँ ना कि लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे बॉडी किसने बनानी है किसने नहीं बनानी है, जो बॉडी बनानी है जम्मू प्रोविंस की वो विजय लोचन ने जो हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसके लिहाज से बॉडी को मैंने बनाना है, और बाकी जो फैसला जो हुआ है वो शिवाजी आजाद को हमने पिछले दिनों भी कन्वेंशन की है, अभी हम उमर साहब ने जो हमारी कन्वेंशन होगी बारी पैमाने में होगी शेड्यूल कास्टों की, और उसमें भी हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे, जो मुख्तार जी हैं कोई बात नहीं, हम इसको इनको अच्छे अहदे पर रखेंगे,